हेलो फ्रेंड्स, द स्वादिष्ट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू ऑमलेट की रेसिपी। फ्रेंड्स, आपने ऑमलेट तो बहुत खाए होंगे, पर शायद ही आपने आलू ऑमलेट की रेसिपी ट्राई की होगी। तो फ्रेंड्स, ये सबसे अलग और यूनिक रेसिपी है, तो फ्रेंड्स अपने घर में आप जरूर ट्राई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं और 1 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं। अब आलू को मैं मोटे वाले ग्राइंडर से मैं ग्राइंड कर लूंगी, ताकि आलू की क्वांटिटी हमें ऑमलेट में दिखे। तो इसका ऑमलेट का लुक जो होता है बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव होता है। ग्राइंड करते टाइम हमें अपने हाथ को बचा के ग्राइंड करना है, ताकि हमारा हाथ ना कटे। और प्याज को मैं बारीक कट कर लूंगी चाकू से। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे आलू ग्राइंड हो चुके हैं। मैंने सब इनको एक जगह इकट्ठा करके रख लूंगी। मैं 2 अंडे ली हूँ, उसे मैं डाल लूंगी एक बाउल में। 2 अंडे को मैंने डाला था, मुझे कम लगा तो मैंने 1 अंडा और डाल दिया है। 2 अंडों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मेरा अंडा परफेक्ट मिक्स हो चुका है। अब मैं पैन गैस पे चढ़ा दी हूँ, थोड़ा सा तेल डालूंगी, थोड़ा सा नहीं 1 बड़े चम्मच के करीब तेल डालूंगी। और उसमें जो मैंने आलू ग्राइंड करके रखे थे, मैं उस आलू को इक्वल चारों तरफ से इक्वली फैला दूंगी, ताकि एक जगह वो जमा न रहे और हमारा आलू अच्छे से पक भी जाए। आलू को चारों तरफ फैला दिया है, उसमें मैं 1 चुटकी नमक डालूंगी। फिर मैं 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर डालूंगी। सबको मैं चारों तरफ फैला के डालूंगी और उसको ढक के मैं 2 मिनट पकने के लिए छोड़ दूंगी। मेरा पक चुका है। अब मैं उसमें ऑमलेट के लिए जो अंडे तैयार करके रखे थे, वो अंडे को मैं चारों तरफ फैला के डाल दूंगी। आलू हमें दिखना नहीं चाहिए, इस तरह से हमें फैला के तैयार करना है। जो प्याज बारीक कट करके रखे थे, उसे प्याज को भी मैं चारों तरफ से फैला दूंगी। उसके बाद मैं कुछ टमाटर को भी बारीक कट करके रखे थे, उन्हें भी मैं चारों तरफ फैला दूंगी। फिर हरी मिर्च भी मैंने कुछ कट करके रखे थे, उसे भी मैं फैला दूंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च ना डालें, या फिर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप हरी स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर 1 चुटकी नमक और डाल दूंगी, ताकि नमक अंडे में भी हमारा कम न रहे। और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर फिर से डाल दूंगी। मैं कुछ धनिया पत्ता को भी मैंने डाल दिया है, को ढक के मैं 2 मिनट और पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2 मिनट हो चुका है। अब हमारा ऑमलेट पलटने के कगार पे आ गया है। मैं एक बड़ा सा प्लेट लूंगी, उस प्लेट पे अंडे को, जो ऑमलेट बना है मेरा, उसे पलट लूंगी और उसे फिर से मैं प्लेट से उलट के पैन में डाल दूंगी, ताकि दूसरे साइड से भी हमारा ऑमलेट बनके परफेक्ट रेडी हो जाए। फ्रेंड्स, अब हमारा ऑमलेट बनके रेडी हो गया है, मैं अब इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, हमारा आलू ऑमलेट बनके एकदम रेडी हो गया है, एकदम परफेक्ट से बना है ये। फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।